दोस्तों पूरी दुनिया में टाटा के वर्चस्व काफी बड़ा स्थापित हो चुका है। यह मात्र एक ही फील्ड में वर्क नहीं करती बल्कि हर फील्ड में टाटा की कंपनीज मौजूद हैं। यानी एक बड़े हवाई जहाज से लेकर छोटी चीजों तक तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनी टाटा के पास है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे 7 कंपनियों के बारे में जिसे टाटा ने बचाया। नंबर 1, टाटा स्टील यूरोप। टाटा कंपनी की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है जो असल में ब्रिटिश स्टील ने कोरस ग्रुप के साथ मिलकर साल 1999 में शुरू किया था, लेकिन साल 2008 में आई ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इस कंपनी को खरीदा और आज टाटा स्टील यूरोप के नाम से कंपनी स्टील प्रोड्यूस करती है। नंबर 2, कनाडा की सरकारी टेलीकॉम कंपनी VSNL साल 1950 में स्थापित हुई थी, लेकिन साल 1987 में कंपनी के प्राइवेट करके बेच दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी को प्रॉफिटेबल में नहीं बना पाया। कई बार खरीदे और बेचने के बाद कंपनी की ग्रोथ साल 2005 में बढ़नी शुरू हुई जब टाटा ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। नंबर 3, दुनिया भर में अपनी कॉफी के लिए स्टारबक्स कंपनी का नाम बेहद फेमस है, किंतु इंडिया में कैफे कॉफी डे के प्रचलित होने के कारण स्टारबक्स भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ बनाने में असफल रहा था। इसी कारण 2012 में कंपनी ने 50-50% हिस्सेदारी के साथ टाटा के साथ हाथ मिलाया और आज स्टारबक्स एक अलग मुकाम पे है। नंबर 4, एरोप्लेन में सफर करने वाले लोगों में एयर एशिया कंपनी एक जाना माना नाम है। 2013 में जब भारत की केंद्र सरकार ने एयरलाइंस में 49% FDI को अप्रूवल दिया, तब यह पहली विदेशी कंपनी थी जो भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रही थी। इसके लिए उनको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उनको बढ़ने में मदद करे। इसमें एयर एशिया की मदद टाटा कंपनी ने की थी। नंबर 5, देश में सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में क्रोमा शोरूम का नाम सबसे ऊपर आता है। हर बड़े शहरों में इसका एक शोरूम मिल ही जाएगा। क्रोमा कंपनी भी टाटा कंपनी की ही सब्सिडियरी कंपनी है। नंबर 6, दुनिया भर में चाय पत्ती बेचने में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेटली कंपनी की 100% हिस्सेदारी टाटा कंपनी की ही सब्सिडियरी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास है। दरअसल शुरुआत में तो कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन बाद में काफी बड़ा नुकसान होने के कारण कंपनी को टाटा ने खरीद लिया और आज यह कंपनी अच्छे प्रॉफिट पर है। नंबर 7, साल 1950 में स्विट्जरलैंड में वोल्टास कंपनी की स्थापना वोल्टास ब्रदर्स ने की थी। साल 1954 में कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने के लिए कंपनी ने टाटा समूह से डील कर ली। आज वोल्टास कंपनी की पूरी ओनरशिप टाटा के पास ही है। वोल्टास ब्रदर्स के सम्मान में टाटा ने अभी तक इस कंपनी का नाम नहीं बदला है। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका क्या कहना है टाटा कंपनी के बारे में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।